आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, ये अच्छे से समय के लिए धन्यवाद। आज भी हम आपके ओर देखने और आपके वचन सुनने आए हैं। आपके वचन के द्वारा आप हमें जो भी कहना चाहते हैं, आप हमसे बातें करिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमेन। आइए हम दानियल 8वां अध्याय पढ़ेंगे। बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। जब मैं एलाम नामक प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलई नदी के किनारे पर हूँ। फिर मैंने आँख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने दो सिंह वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सिंह बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पाँव न चुवाया, और उस बकरे की आँखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। वह उस दो सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर जुझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेंढों को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई न मिला। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सींग टूट गया, और उसके बदले देखने योग्य चार सींग निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगा। फिर इनमें से एक छोटा सा सींग और निकला, जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ गया। वह स्वर्ग की सोना तक बढ़ गया, और उसमें से और तारों में से भी कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला। वर्ण यह उस सेनाओं के प्रधान तक भी बढ़ गया, और उसका नित्य होम बलि बंद कर दिया गया, और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया, और लोगों के अपराध के कारण नित्य होम बलि के साथ सेना भी उसके हाथ में कर दी गई, और उस सीम से सच्चाई को मिट्टी में मिला दिया, और वह काम करते करते सफल हो गया। तब मैंने एक पवित्र जन को बोलते सुना। फिर एक और पवित्र जन ने उस पहले बोलने वाले से पूछा, नित्य होम बलि और उजड़वाने वाले अपराध के विषय में जो कुछ दर्शन देखा गया, वह कब तक फलता रहेगा? अर्थात पवित्र स्थान और सेना दोनों का रौंदा जाना कब तक होता रहेगा? तब उसने मुझसे कहा, जब तक सांझ पर सबेरा 2300 बार न हो, तब तक वह होता रहेगा। तब पवित्र स्थान शुद्ध किया जाएगा। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियल इसके समझने का यत्न करने लगा। इतने में पुरुष का रूप धरे हुए कोई मेरे सम्मुख खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब मुझे उलई नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुनना पड़ा, जो पुकार कर कहता था, हे जिब्राइल, उस जन को उसकी देखी हुई बातें समझा दे। तब जहाँ मैं खड़ा था वहाँ वह मेरे निकट आया, और उसके आते ही मैं घबरा गया और मुंह के बल गिर पड़ा। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, उन देखी हुई बातों को समझ ले
क्योंकि उनका अर्थ अंत ही के समय में फलेगा। जब वह मुझे से बातें कर रहा था, तब मैं अपने मुंह भूमि की ओर किए हुए भारी नींद में पड़ा था, परंतु उसने मुझे छूकर सीधा खड़ा कर दिया। तब उसने कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वह मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वह सब पूरा हो जाएगा। जो दो सिंह वाला मेंढा हुआ तूने देखा है, उसका अर्थ मादियों और फारसियों के राज्य से है, और वह रोआन बकर यूनान का राज्य है, और उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वह पहला राजा ठहरा। वह सिंह जो टूटा गया और उसके बदले जो चार सिंह निकले, उसका अर्थ यह है कि उस जाति से चार राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले का सा न होगा। उन राज्यों के अंत समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाला और पहेली बुझने वाला एक राजा उठेगा, उसकी सामर्थ्य बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों का नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और सामर्थियों और पवित्र लोगों के समुदाय को नष्ट करेगा। उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और वह मन में फूलकर निडर रहते हुए बहुत लोगों का नाश करेगा। वह सब हकीमों के हकीम के विरोधी भी खड़ा होगा, परंतु अंत को वह किसी के हाथ से बिना मार खाए टूट जाएगा। सांच और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि उसका कोई समझाने वाला न था। आमीन। अब हम यशाया 31वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। हाय उन पर जो सहायता पाने के लिए मिस्र को जाते हैं और घोड़ों का आसरा करते हैं, जो रथों पर भरोसा रखते क्योंकि वे बहुत हैं, और सवारों पर क्योंकि वे अति बलवान हैं, पर इज़राइल के पवित्र की ओर दृष्टि नहीं करते और न यहोवा की खोज करते हैं, परंतु वह भी बुद्धिमान है और दुख देगा। वह अपने वचन न ठालेगा, परंतु उठकर कुरकमियों के घराने पर अनर्थकारियों के सहायकों पर भी चढ़ाई करेगा। मिस्री लोग ईश्वर नहीं मनुष्य ही है, और उनके घोड़े आत्मा नहीं मांस ही है। जब यहोवा हाथ बढ़ाएगा तब सहायता करने वाला और सहायता चाहने वाला दोनों टोकर खाकर गिरेंगे, और वे सब के सब एक संग नष्ट हो जाएंगे। फिर यहोवा ने मुझसे ये कहा, जिस प्रकार सिंह खाई जवान सिंह जब अपने अहेर पर गुराता हो और चरवाहे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध बड़ी भीड़ लगाए, तो भी वह उनके बोल से न घबराएगा और न उनके कोलाहल के कारण दबेगा। उसी प्रकार सेनाओं का यहोवा सियोन पर्वत और यरूशलेम की पहाड़ी पर युद्ध करने का उतरेगा। पंख फैलाई हुई चिड़ियों के समान सेनाओं का यहोवा यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा करके बचाएगा और उसका बिन चुए ही उद्धार करेगा। हे इसराइलियों, जिसके विरुद्ध तुमने भारी बलवा किया है उसी की ओर फिरो। उस समय तुम लोग सोने चांदी की अपनी अपनी मूर्तियों से जिंदे तुम बनाकर पापी हो गए हो घृणा करोगे। तब अश्शूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार की ओर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बेगार में पकड़े जाएंगे। वह भय के मारे अपने सुंदर भवन से जाता रहेगा, और उसके हकीम घबराहट के कारण ध्वजा त्याग
कर भाग जाएंगे। यहोवा जिसकी अग्नि सियोन में और जिसका पटा यरूशलेम में है, उसी की यह वाणी है। आमीन। अब हम यशाया 32वां अध्याय पढ़ेंगे। देखो, एक राजा धर्म से राज्य करेगा और राजकुमार न्याय से हुकूमत करेंगे। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान और बौछार से आंड होगा, या निर्जल देश में जल के झरने व तप्त भूमि में बड़ी चट्टान की छाया। उस समय देखने वालों की आंखें धुंधली न होगी और सुनने वालों के कान लगे रहेंगे। उतावलों के मन ज्ञान की बातें समझेंगे और तुतलाने वालों की जीभ फुर्ती से और साफ बोलेगी। मूड फिर उदार न कहलाएगा और न कंजूसदानी कहा जाएगा, क्योंकि मूड तो मूर्ता ही की बातें बोलता और मन में अनर्थ ही घटता रहता है कि वह अधर्म के काम करे और यहोवा के विरुद्ध झूठ कहे। भूखे को भूखा ही रहने दे और प्यासे का जल रोक रखे। चली की चाले बुरी होती है, वह दृष्टि युक्तियों निकालता है कि दरिद्र को भी झूठी बातें में लूटे, जबकि वे ठीक और नम्रता से भी बोलते हो। परंतु उदार मनुष्य उदारता ही की युक्तियों निकालता है, वह उदारता में स्थिर भी रहेगा। हे सुखी स्त्रियों, उठकर मेरी सुनो। हे निश्चित पुत्रियों, मेरे वचन की ओर कान लगाओ। हे निश्चित स्त्रियों, वर्ष भर से कुछ ही अधिक समय में तुम विकल हो जाओगी, क्योंकि तोड़ने को दाके न होंगे और न किसी बाते के फल हाथ लगेंगे। हे सुखी स्त्रियों, तरतराओ। हे निश्चित स्त्रियों, विकल हो। अपने अपने वस्त्र उतार कर अपनी अपनी कमर में टाट कसो। वे मनोहर खेतों और फलवंत दाखलताओं के लिए छाती पीटेंगी। मेरे लोगों के वर्ण प्रसन्न नगर के सब हर्ष बड़े घरों में से भांति भांति के कटिल पेड़ उप जाएंगे, क्योंकि राजभवन त्यागा जाएगा। कोलाहल से भरा नगर सुनासन हो जाएगा और पहाड़ी और उन पर के पहरों के घर सदा के लिए मांदे और जंगली गधों का विहार स्थान और घरेली पशुओं की चराई उस समय तक बने रहेंगे, जब तक आत्मा ऊपर से हम पर उंडेला न जाए और जंगल फलदायक बारी न बने और फलदायक बारी फिर बन न गिनी जाए। तब उस जंगल में न्याय बसेगा और उस फलदायक बारी में धर्म रहेगा, और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहने होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चित रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। वन के विनाश के समय ओले गिरेंगे और नगर पूरी रीति से चौपट हो जाएगा। क्या ही धन्य हो तुम जो सब जलाशयों के पास बीज बोते और बैलों और गधों के स्वतंत्रता से चराते हो। आमीन। आज हम गलातियों 6वां अध्याय पढ़ेंगे। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में न पड़ो। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाला को भागी करे। धोखा ना खाओ, परमेश्वर टट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा।
हम भले काम करने में साहस न छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले न हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। देखो मैंने कैसे बड़े बड़े अक्षरों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जो लोग शारीरिक दिखावा चाहते हैं वे ही तुम्हारा कतना करवाने के लिए दबाव डालते हैं, केवल इसलिए वे मसीह के क्रूस के कारण सताए न जाए, क्योंकि कतना करने वाला स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते पर तुम्हारे कतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करे। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न कतना और न कतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे। आमीन। प्यारे परमेश्वर, आज भी हम आपके वचन के द्वारा आप हमारे साथ बात किए, इसके लिए धन्यवाद। हम हमेशा आपके वचन के ओर देखकर आपके राह में चलने के लिए हमें मदद कीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष करें।